की कोशिशें रंग ले आईं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। आज को नोटिस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एफआईआर दर्ज करके आज ही रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। वजारत खारजा से कीनिया से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं, केस की समाअत कल तक मुलतवी। पहले दिन से नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। अहलिया शहीद अरशद शरीफ जवेरिया सिद्दीक की बोल से गुफ्तगू, कहा केस में हुकूमत ने गैर संजीदगी जाहिर की, किसी हुकूमती शख्सियत ने राबता नहीं किया। हुकूमत को कीनिया हुक्काम से रिपोर्ट लेना चाहिए थी, राबता नहीं किया गया। अरशद शरीफ को वतन छोड़ने पर किसने मजबूर किया? 16 FIR किसने दर्ज करवाई? दुबई छोड़ने पर किसने मजबूर किया? तवक्को है सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलात का जायजा लेगी। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। इस केस में बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। कौम इमरान खान पर हमले और आजम स्वाती केस में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। शेख रशीद का ट्वीट। आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज ना किए जाएं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। आईजी से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली, रिमार्क्स दिए। जिन इदारों को फरीक बनाया गया वो भी पाबंदी करें। कौम ने NRO 1 की भारी कीमत चुकाई, NRO 2 उससे भी बढ़कर शर्मनाक है। इमरान खान का ट्वीट, लिखा इन दो मुजरिम खानदानों और उनके हवारियों की लूट मार ने 10 बरस में मुल्क का कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। कौम की जेबों पर ये दिन दिहाड़े एक डाका है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ शहबाज सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां, इमरान खान का साथ देने की सजा। इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल सील कर दिया गया बगैर नोटिस। इस्लामाबाद इंतजामिया की कार्रवाई, चारों एतराफ खारदार तारे लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद के ताजिरों का शदीद एहतजाज, जिना एवन्यू बंद कर दिया। पार्लियामेंट जाने वाली सड़क मुकम्मल ब्लॉक कर दी गई। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, सेंटोरस मॉल सील करना शहबाज शरीफ की सरजनिश जाहिर करता है। 8 माह से मुल्क में जंगल का कानून है। अवाम के साथ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन भी हुकूमत से नाला। इस्लामाबाद में सरकारी अफसरान का एहतजाज। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की वजारत खजाना के सामने नारे। एग्जेक्टिव अलाउंस देने का मुतालबा। शाहिद खाका नबासी की झूठी तसल्लियां। फैसलाबाद मिल्लत टाउन में घरेलू मुलाजिना मुबैना तौर पर कत्ल। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। मारिया की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। वालिद का कहना है बेटी को कत्ल किया गया, मालिकन तिब्बी मौत करार देने की कोशिश कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जल्द आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।